कुछ खाए पिएगा, बिना कुछ खाए पिएगा कुछ खाए। तो फिर भोजन क्या लेंगे? शाम को फिर कोई रोटी या लिट्टी लगाएंगे, अब वही दो रात का यही जगह विश्राम करते हैं। मैं यही गिरा शरण में मेरा नींद हो जाऊं, जो आगे दिन के रास्ता में लगे राम के अंदर में, हनुमान जी के अंदर में राम जैसे घुसे हुए थे जी, उसी तरीके हमारे अंदर में गिरिराज सदा घुसे थे। गिरिराज से माने पूरा याद करते हैं, जय हाँ भक्त इतना कष्ट करता है उसको तो अच्छा। जब भी कांटा चुभता है तभी गिरिराज को याद करता है। मैं आया था यहाँ परिक्रमा करने के लिए, तो रात में मैंने सपना देखा, वो बोले जो हमारा छोड़कर तुम कहीं ना जाओ, इसी नींद में रहो। हाँ, इसी दिन सपना में मैं देखा, उसी दिन से मैं सारा त्याग करके अपने नींद में आ गए, धरती पर लेटा लगा। जय श्री राधे दोस्तों। दोस्तों मैं अर्जुन आपको लगातार भक्तों के श्रद्धालुओं के दर्शन कराता हूं। मैं हूं ब्रज क्षेत्र में, मैं हूं गोवर्धन महाराज के पास, और गोवर्धन महाराज की ऐसी अनुकंपा रहती है अपने भक्तों के ऊपर कि कोई उन्हें जब वो दंडौती लगाते हैं या फिर जब यहां परिक्रमा लगाते हैं तो उन्हें किसी भी दर्द का अनुभव नहीं रहता। आप देख रहे हैं कि महाराज जी हैं कांटों की सैया पर लेटे हुए हैं, और कैसे मतलब इनको कोई दर्द क्यों नहीं होता है, क्या चक्कर है ये महाराज जी मुझे खुद बताएंगे। और गोवर्धन महाराज जी कितनी अनुकंपा है इनके पास में, और कब से ऐसी अवस्था में है, और ऐसा क्यों करते हैं महाराज जी, तो सारी जानकारी मुझे महाराज जी देंगे। जय श्री राधे महाराज जी। तो महाराज जी क्या है? हम हमारा रामचंद्र प्रसाद है, गोरखपुर देवरिया जिला के रहने वाला हूँ, सोनू घाट में मकान है। अच्छा, तो महाराज जी ब्रह्मचर्य हैं? ब्रह्मचर्य है। कब से? 20 साल से हम यहाँ साधना में है जी। 20 साल से गोवर्धन महाराज के सेवा में रहता हूँ। दुनिया में यही याद आया जे इससे बढ़कर धर्म कुछ बा नहीं, इससे बढ़कर कुछ बा नहीं है, सब इसी धरती पर। तो महाराज जी मतलब ऐसे ये कांटों पे इतनी मतलब इतना बस इसीलिए कि इस पर ही मेरा लाभ है, इससे ही गिरिराज सेवान ने हमको पूर्ति करते हैं। अच्छा। हर भजन भाव में नींद रहते हैं, हर दुखों का हर लेते हैं। तो मतलब दर्द नहीं होता? दर्द होता है भाई, जब उनका नाम लेते हैं तो सब हर लेते हैं। हर लेते हैं। अच्छा, ऐसी अनुकंपा है। अच्छा, एकदम अनेक विश्वास है जो हमारा गिरिराज सेवान एकदम हमको दुख को जब कोई तकलीफ आती है तो उनको सुमरता हो, सब हमको भर जाता है। तो महाराज जी मैं देख रहा हूँ धूप हो चाहे सर्दी हो कुछ भी हो, सब कोई माने नहीं है, कोई ठंड जाड़ा कुछ नहीं, कुछ नहीं। 8 बजे सुबह से लेकर 5 बजे शामला मैं इसी पर रहता हूँ, रात में यही जगह दुआ गोईठा जला के यही जगह उनका जपता हूँ। तो महाराज जी कांटे देख रहा हूँ मैं, बहुत चुभने वाले हैं, बबूल के कांटे हैं। वो तो कृपा है, उनका कृपा है, सब गिरिराज की कृपा है। तो महाराज जी कब से है इस अवस्था में? 20 साल से मैं हूँ। 20 साल से? 20 साल से। अच्छा, तो ये घर परिवार में है? घर परिवार में कोई नहीं है जी। हाँ। क्या ऐसी मनोकामना? मनोकामना यही है जो बस इसी मट्टी में यही गिरिराज शरण में मेरा नींद हो जाऊं, जो आगे दिन के रास्ता मेरा साफ रहे, आगे जो जन्म लें उसमें बेहतर मुझे साफ मिले। बस यही चाह है, यही चाह है। तो महाराज जी पूरे दिन भर आप ऐसे रहते हैं? अगर कुछ खाए पिए बिना कुछ खाए भी अगर कुछ खाए तो फिर भोजन क्या लेंगे? शाम को फिर कोई रोटी या लिट्टी लगाएंगे, अब वही दो रात का यही जगह विश्राम करते हैं। अच्छा, जो मतलब ये यहाँ पे मिल जाता है जो दे जाते हैं वक्त, उसको ग्रहण कर लेते हैं, उसी ग्रहण करते हैं, ग्रहण करते हैं, वही प्रसाद है, वही प्रसाद है। अच्छा, महाराज जी थोड़ी ऐसी गोवर्धन महाराज की ऐसी अनुकंपा बताएं मुझे कि जो आप इसकी तरफ आकर्षित हुए कैसे हुए, और मतलब क्या इसलिए हुआ कि जब मैंने एक समय में आया था यहाँ पदगनमा करने के लिए, तो रात में मैंने सपना देखा, वो बोले जो हमारा छोड़कर तुम कहीं ना जाओ, इसी नींद में रहो। स्वयं हाँ, इसी दिन सपना में मैं देखा, उसी दिन से मैं सारा त्याग करके अपने नींद में आ गए, धरती पर लेटा लाता हूँ। अच्छा, यही कांटा पर लेटता हूँ, इससे ही कठोर तपस्या करे जो उनको ज्यादा याद आवे। अच्छा, जितना कष्ट करेंगे उनको हमारे गिरिराज से माने
पूरा याद करते हैं जे हाई भक्त इतना कष्ट करता है उसको। तो अच्छा, जब भी कांटा चुभता है तभी गिरिराज को याद करता है, तभी इसी वजह से ये कहते हैं। जैसे कुंती मैया ने कहा था कि मुझे प्रभु मुझे छोड़ के ना जाए, मुझे कष्ट नहीं कि जितना कष्ट होगा उतना ही फायदा, उतना ही फायदा है, लाभ होता है। अच्छा, उतना ही भगवान के समीप रहते हैं। अच्छा, मैं इतने बड़ा 65 साल का उम्र हो गया, न मैं एक दवा खाया। 65 साल है जी, 65 साल उम्र है मेरा। अच्छा, न एक दवा खाया, न कोई तरीका की तकलीफ हुआ शरीर में, कोई तकलीफ कोई, यही तरीका पड़ा रहता है, उघाड़े लंगे, न ठंडी न जाड़ा न कुछ नहीं। अच्छा, इतनी मेहरबानी, इतनी अनुकंपा है, इतना आत्मा में बैठे हुए हैं। अच्छा, जैसे हनुमान जी के लगे राम के अंदर में, हनुमान जी के अंदर में राम जैसे घुसे हुए थे, उसी तरीके हमारे अंदर में गिरिराज सदाज घुटे थे, गिरिराज महाराज है अंदर अंदर। अच्छा, जब याद करता है हर चीज की पूर्ति होता है। अच्छा अच्छा, तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि महाराज जी कितने लीन हैं भक्ति में, कितने लीन हैं गिरिराज महाराज में, इनको दर्द नहीं होता। और महाराज जी कह रहे हैं कि जितना दर्द होता है उतना ही मैं गिरिराज महाराज को याद करता हूँ, वो मेरे समीप रहते हैं और मेरे हृदय में स्वयं गिरिराज महाराज हैं। जो ये रज है, इस रज में ही ये मिलना चाहते हैं महाराज जी, की अंतिम इच्छा बस यही है कि इस रज में ही मिल जाऊँ। ये रज वो रज है जो साधु संत इससे भक्त निकल कर जाते हैं। आप देख रहे हैं कि कितने भक्त श्रद्धालु आ रहे हैं यहाँ, ये गोवर्धन महाराज की परिक्रमा मार्ग है। दोस्तों मैं ब्रज रज में हूँ और ऐसे ही आपको लगातार भक्तों के दर्शन कराते रहूँगा। जय श्री राधे।